उसको भी सब जवाल बोलते हैं। याद रखिए जवाल का मतलब ये होता है सूरज जब सेंटर में आसमान के बीच में आता है और फिर उसके बाद बीच से हट गया तो जवाल खत्म हो गया। तो जब बिल्कुल सेंटर में आता है तब जवाल होता है, रात में कोई जवाल नहीं होता है क्योंकि जब तो सूरज ही नहीं होता। लेकिन मैंने देखा हूँ लोग रात में 12 बजे ना कुरान बोलते मत पढ़ो, जैसे जागने की रात मना रहे 12 बजे बंद करो, क्यों बोले अब क्या है जवाल है। तो मैंने कहा ये तो किसी और के 12 बज रहे ऐसा लग रहा है मेरे को। बहरहाल खैर ठीक है, अब तुम बोल रहे तो है जवाल तो है, तुम्हारे लिए सूरज अभी भी है तो है ठीक, क्या मालूम। लेकिन देखिए जवाल का माना है सूरज जब बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, सेंटर से हट गया जवाल खत्म हो गया। और ये टाइम पे सूरज निकलते वक्त जब तक कि पूरा ना निकल जाए, सूरज जवाल में जब बीच में होता है जब तक कि हट ना जाए, और सूरज डूबते वक्त जब तक कि पूरा डूब ना जाए, ये तीन औकात में नमाज नहीं पढ़ना है, सजदा नहीं करना है। चूंकि इन तीन औकात के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान ऐसे वक्त आकर सूरज के सामने कमर पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है, और जब कुछ लोग सजदे करते हैं तो वो उसको खुशफहमी होती है कि मुझे सजदा कर रहा है, तो उसको उतनी खुशफहमी नहीं देना है, वो खड़ा हो जाता है आके ठीक, और खुशफहमी में रहता है। तो ये टाइम पर नहीं करना है ठीक है।